नमस्कार, केबी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ओडिशा ट्रेन हादसे पर राज्यपाल की शोक संवेदना। जयपुर पुलिस और शराब माफियों के बीच घना याराना, जब्त की गई शराब वापस ठेकेदार की गाड़ी में रखी। दौसा पहुंचे एसीबी के डीआईजी कालूराम रावत। झोतरी गांव की एक दुकान में लगी आग, हुआ लाखों का नुकसान। हिल स्टेशन माउंट आबू में पर्यटकों का उमड़ा जल सैलाब। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सिरोही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त। राज्यपाल ने ईश्वर से मृतकों की पुण्य आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भी कामना की। जयपुर पुलिस का शराब माफियों से मिलीभगत का एक वीडियो सामने आया। इसमें आमिर थाने लाई शराब को बिना कार्रवाई कर छोड़ दिया गया। डील तय होने पर थाना परिसर में खड़ी शराब ठेकेदार की कार में पेटियों को रखवा कर वापस दे दी। आमिर थाना पुलिस ने मामला हल्का करने के लिए महज कुछ शराब दिखाकर एफआईआर दर्ज। शराब माफियाओं से पुलिस की मिलीभगत का वीडियो सामने आने पर हड़कंप मचा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 21 मई की देर रात मुखबिर की सूचना पर आमिर थाना पुलिस ने कुकस बस स्टैंड पर कार्रवाई की। ब्रदर्स ढाबे के नजदीक वन विभाग की दीवार के पास एक व्यक्ति अंग्रेजी शराब की पेटियां रखकर बेच रहा था। पुलिस को देखकर शराब बेच रहा व्यक्ति मौके से भाग निकला। पुलिस अंग्रेजी शराब की मिली 9 पेटियों को बरामद कर आमिर थाने ले आई, लेकिन शराब की 4 पेटियों का मुकदमा बनाया गया। बाकी जब्त कर लाई 5 पेटियों को थाने में रख लिया गया। दौसा पहुंचे एंटी करप्शन ब्यूरो के डीआईजी कालूराम रावत। एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग द्वारा आयोजित की गई कार्यशाला एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा आमंत्रित सदस्यों को बताया गया कि एसीबी की कार्य प्रणाली के बारे में भ्रष्टाचार संबंधित कोई भी शिकायत है या मांगे कोई रिश्वत तो 1064 यानी कि 1064 पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए 9413502834। अगर कोई भी कर्मचारी मांगे रिश्वत तो वो व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल एसपी दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। एसीबी के एडिशनल एसपी दिनेश शर्मा ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार आमजन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की। डूंगरपुर जिले के 84 थाना अंतर्गत झोतरी गांव में सिमलवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर एक दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार प्लाईवुड और हार्डवेयर की दुकान में बीती देर शाम अचानक आग लगने की घटना। घटना में दुकान में रखे करीब 70 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सामान, जिसमें प्लाईवुड रस्सियां समेत मकान निर्माण और घरेलू काम में आने वाली वस्तुएं आग की भेंट चढ़। दुकान मालिक रसिक कलाल से नुकसान को लेकर मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार 70 लाख से अधिक का सामान आग लगने की पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। हिल स्टेशन माउंट आबू में पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ा है। टोल नाके से 20 नंबर पिलर तक वाहनों की लंबी लाइन है तो वही अचानक गर्मी बढ़ गई है। वो उमस से पर्यटकों ने माउंट आबू का रुख किया है। सड़क पर जाम में फंसे वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर सड़क मार्ग पर जाम लगने से वाहन चालक फंसे हुए। शनिवार व रविवार को भारी संख्या में सैलानी यहां पहुंचते। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है
और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाए, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम से दीक्षा बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 1800123947। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजिन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजिन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक प्लाटर, फिश प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चली आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। बिना हेलमेट घर से बाहर निकलना जेब पर भारी पड़ेगा। बांसवाड़ा पुलिस एक बार फिर अपने जबरदस्त अंदाज में सड़कों पर नजर आई। जिले भर में सड़कों पर पुलिस ने लगाए नाके, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक ये अभियान चलेगा। राजस्थान में मई और जून में सबसे ज्यादा बाइक सवारों की मौत होती। पुलिस का कहना है कि हेलमेट न लगाने की वजह से युवाओं की जान चली जाती है, इसलिए पुलिस युवाओं को समझाइश देने सड़कों पर उतरी। जो लोग समझाइश के बाद भी नहीं माने उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। बांसवाड़ा से धर्मेश सोमपुरा की रिपोर्ट। डिस्कॉम के एआरओ ने किया 15,52,000 रुपए का घोटा। विभाग ने किया किशनगढ़ सिटी कार्यालय के सहायक राजस्व अधिकारी राकेश जैन को सस्पेंड। 71 वेबसाइट बिलों में गड़बड़ी कर छूट दी। एआरओ राकेश जैन ने सीसीएनएआर के जरिए वीसीआर सेटलमेंट व राजस्व निर्धारण प्रकरणों में पलक के नियम विरुद्ध जाकर गलत तरीके से खास लोगों को पहुंचाया फायदा। मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। इससे पहले भी आज बर्ड्स कम के एक कर्मचारी ने लगाया था 2.5 करोड़ रुपए का चूना। कल फिर चलेगा प्रदेश में हेलमेट अभियान। बिना हेलमेट हुए दुपहिया वाहन पर सवार तो कटेगा 1,000 रुपए का चालान। सुबह 9 से सायंकाल 7 बजे तक चलेगा अभियान। पुलिस और यातायात पुलिस मिलकर करेगी कार्रवाई। एडीजीपी यातायात ने जारी किया आदेश। पूर्व में भी इसी तरह चला था अभियान, तब कटे थे 1,170 चालान। धौलपुर की सरपथुरा थाना पुलिस ने बीती रात कार्रवाई करते हुए एक बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। 5 दिन पहले बजरी माफिया नाकाबंदी के दौरान ट्रोली को सड़क पर छोड़कर फरार हुआ था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि वांछित अपराधी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र में चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 27 मई 2023 को थाना इलाके में बजरी माफिया को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान एक बजरी माफिया ट्रोली को सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गया था। तब से उसकी तलाश की जा रही थी। बीती रात मुखबिर की सूचना पर बजरी माफिया 25 साल के ब्रिजमोहन उर्फ बिज्जो पुत्र श्याम सिंह मीणा निवासी रिछरा को दबोच लिया गया।
उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से ट्रैक्टर भी बरामद हुआ है। आरोपी ट्रोली को पूर्व में ही सड़क पर छोड़कर फरार हुआ। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं 41-42 फॉरेस्ट एक्ट में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। बजरी माफिया को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि अनुसंधान में बजरी तस्करी के महत्वपूर्ण ठिकानों की जानकारी मिल सकती है। सीएम अशोक गहलोत इन दिनों बाड़मेर के दौरे पर हैं। इस दौरान एक सभा में वे महिलाओं से संवाद कर रहे थे, तभी अचानक सीएम गहलोत को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने माइक ही फेंक दिया। बता दें कि सीएम गहलोत बाड़मेर के सर्किट हाउस में परिवादियों से मुलाकात के बाद महिलाओं और बालिकाओं से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान सीएम जिस माइक से महिलाओं को जवाब दे रहे थे, अचानक ही उससे आवाज आनी बंद हुई, जिसके बाद सीएम गहलोत भड़क गए और माइक बाड़मेर के कलेक्टर की तरफ फेंक दिया। कलेक्टर ने माइक उठाया और सीएम को दूसरा माइक थमाया, जिसके बाद वे फिर से महिलाओं से संवाद करने लगे। इस संवाद के दौरान अनावश्यक लोग भी वहां खड़े थे, इस पर भी सीएम गहलोत नाराज हो। उन्होंने गुस्से में पूछा कि तुम लोग कौन हो। साथ ही कलेक्टर एसपी को आवाज देते हुए कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई। सीएम राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला स्कीम पर बातचीत कर। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ओडिशा ट्रेन हादसे पर राज्यपाल की शोक संवेदना। जयपुर पुलिस और शराब माफियों के बीच घना याराना, जब्त की गई शराब वापस ठेकेदार की गाड़ी में रखी। दौसा पहुंचे एसीबी के डीआईजी कालूराम रावत। झोथरी गांव की एक दुकान में लगी आग, हुआ लाखों का नुकसान। हिल स्टेशन माउंट आबू में पर्यटकों का उमड़ा जल सैलाब। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।